अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। दोस्तों, अगर आप चाहते हो टेस्ट मैचों में रोहित शर्मा की वापसी होनी चाहिए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, आज भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले का तीसरे दिन का खेल न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों बता दूं कि कल दूसरे दिन के अंत तक नाबाद रहे टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाज ऋषभ पंत और हनुमा विहारी एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए हुए थे और दोनों ही खिलाड़ियों से भारतीय टीम को काफी उम्मीदें थी। लेकिन दोस्तों तीसरे दिन यह दोनों ही बल्लेबाज इन उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह असफल रहे और तीसरे दिन के पहले 10 मिनट में ही अपने विकेट गंवा बैठे, जिस कारण दोस्तों टीम इंडिया काफी दबाव में आ चुकी थी और दोस्तों अगले 3-4 ओवर में वह दबाव साफ देखने को भी मिला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पंत और हनुमा विहारी के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आया टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के तूफानी गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया और अंतराल समय से अपने विकेट गंवाता गया, जिस कारण भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए न्यूजीलैंड के सामने मात्र 132 रनों का लक्ष्य देने में सफल हो पाई। ऐसे में दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरे न्यूजीलैंड टीम के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज टॉम लेथम और ब्लेंडल ने टीम को काफी बेहतरीन शुरुआत दिलाई और मात्र 30 ओवर में ही टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों बता दूं कि इसी बीच न्यूजीलैंड टीम के ओपनिंग बल्लेबाज टॉम लेथम ने भारत के खिलाफ दूसरी पारी में एक धमाकेदार 50 जड़ दिया और जल्दी न्यूजीलैंड को एक आसान सी जीत भी दिला दी। दोस्तों बता दूं कि इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने यह दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली और साथ ही आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 180 अंक हासिल कर 5वें स्थान से सीधे तीसरे स्थान पर आ गई। तो दोस्तों चलिए जानते हैं दूसरे दिन का पूरा। आज भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरे दिन का खेल न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों बता दूं कि पहले दिन के अंत तक नाबाद रहे न्यूजीलैंड टीम के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज टॉम लेथम और ब्लेंडल आज एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए हुए थे, परंतु दोस्तों दूसरे दिन की शुरुआत न्यूजीलैंड टीम के लिए अच्छी नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, दरअसल न्यूजीलैंड टीम को दूसरे दिन के तीसरे ही ओवर में ब्लेंडल के रूप में पहला झटका लग गया। बता दूं कि ब्लेंडल 30 रनों की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए हुए थे और दोस्तों उनसे न्यूजीलैंड टीम को काफी उम्मीदें भी थी, परंतु दोस्तों वह उन उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और ब्लेंडल के आउट होने के कुछ देर बाद पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों दूसरी छोर पर खड़े न्यूजीलैंड टीम के ओपनिंग बल्लेबाज टॉम लेथम ने भारतीय गेंदबाजों को संभल कर खेलते हुए दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारत के खिलाफ एक बेहतरीन 50 ठोक दिया। लेकिन दोस्तों वह इस 50 रनों की पारी को आगे बढ़ाने में पूरी तरह असफल रहे और 43 ओवर में मोहम्मद शमी की एक तूफानी गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। ऐसे में दोस्तों न्यूजीलैंड के 3 विकेट गिर जाने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 3 विकेट गिर जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए न्यूजीलैंड टीम का कोई भी बल्लेबाज भारतीय तूफानी गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और अंतराल समय से अपने विकेट गंवाते गया, जिस कारण अब न्यूजीलैंड टीम की स्थिति 180 रनों पर 8 विकेट हो गई थी। लेकिन दोस्तों 8 विकेट गिर जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए वैगनर और जेमिसन ने अंतिम ओवरों में भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 10वें विकेट के लिए 50 रनों की अहम साझेदारी बना डाली। वहीं दोस्तों बता दूं कि इसी बीच जेमिसन ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में अपना 50 भी जड़ दिया। लेकिन दोस्तों 73वें ओवर में मोहम्मद शमी ने लगातार एक ओवर में 2 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को पहली पारी में 235 रनों पर ऑल आउट कर दिया। ऐसे में दोस्तों अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो भारत की ओर से सबसे अधिक 4 विकेट मोहम्मद शमी ने झटके, तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने भी 3 विकेट लेकर उन्हें अच्छा साथ दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत पहली पारी की तरह ही काफी खराब रही। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भारतीय टीम को दूसरे ओवर की 5वीं ही गेंद पर मयंक अग्रवाल के रूप में पहला झटका लग गया। बता दूं कि मयंक अग्रवाल मात्र 3 रनों की पारी खेल पवेलियन लौटे। वहीं दोस्तों उनके साथ ही बल्लेबाज पृथ्वी शॉ भी ज्यादा देर तक न्यूजीलैंड के तूफानी गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और जल्द ही पवेलियन लौट गए। ऐसे में दोस्तों 2 विकेट गिर जाने के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए हुए थे और दोस्तों विराट कोहली से टीम इंडिया को काफी उम्मीदें थी,
क्योंकि कप्तान कोहली पहली पारी में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में इस पारी में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों वह यह करने में पूरी तरह असफल रहे और डी ग्रैंड होम की गेंद पर 14 रन पर LBW आउट हो गए। वहीं दोस्तों कप्तान कोहली के आउट होने के बाद उप कप्तान अजिंक्य रहाणे भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और 43 गेंदों में मात्र 9 रनों की पारी खेल पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों दूसरी छोर से चेतेश्वर पुजारा काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों अब यह लग रहा था कि चेतेश्वर पुजारा इस पारी में बड़ा स्कोर जरूर बनाएंगे, लेकिन दोस्तों तभी दूसरे दिन के अंत में वह क्लीन बोल्ड हो गए और पवेलियन लौट गए। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं।